आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में कि ये होते क्या है। जैसे कि आपने बहुत बार सुना होगा निफ्टी गिर गया, सेंसेक्स गिर गया, निफ्टी बढ़ गया, सेंसेक्स बढ़ गया, ये होता क्या है एक्चुअली, शेयर मार्केट में या बोल सकते हैं स्टॉक मार्केट में इनका मतलब क्या होता है, और ये समझना बहुत ज़रूरी है। सो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। सेंसेक्स और निफ्टी को हम सिंपल भाषा में समझें तो ये स्टॉक मार्केट के या बोल सकते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट के मेन इंडेक्स है, इंडियन स्टॉक मार्केट के मेन इंडेक्स है, जो कि स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस को बताते हैं, स्टॉक मार्केट की स्ट्रेंथ को बताते हैं कि प्रीवियस जो प्राइस बिहेवियर है उससे स्टॉक मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है। ये सारी चीज़ें क्या बताता है सेंसेक्स और निफ्टी कि स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस कैसी है, स्टॉक मार्केट जो हमारा है करेंट लेवल पे वो प्रीवियस लेवल से कैसा परफॉर्म कर रहा है, प्राइस लेवल्स क्या है, कौन कौन सी कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही है, ये सारी चीज़ें बताते हैं इंडेक्स। और इंडियन स्टॉक मार्केट के दो मेन इंडेक्स हैं जिनको हम बोलते हैं सेंसेक्स और निफ्टी। अगर हम सेंसेक्स की बात करें, ये इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट इंडेक्स है जिसके अंदर इंडिया के टॉप 30 कंपनीज के शेयर्स इंक्लूड है जो कि BSE में लिस्टेड है। इन 30 कंपनीज की परफॉर्मेंस कैसी है, इन 30 कंपनीज के लेवल्स किस तरह से परफॉर्म कर रही है, कंपनी कैसी परफॉर्म कर रही है, इसका आइडिया कौन देता है, सेंसेक्स। और ये जो 30 कंपनीज ये काई पे लिस्टेड है, BSE के ऊपर, जो कि ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसीलिए हम सेंसेक्स को ओल्डेस्ट इंडेक्स बोलते हैं। सेंसेक्स की करेंट वैल्यू की बात करें तो ये अप्रॉक्सीमेटली 50,000 प्लस है। अब इसके बाद बात आती है निफ्टी की। निफ्टी के अंदर इंडिया के टॉप 50 कंपनीज के शेयर्स इंक्लूडेड जो कि लिस्टेड है कहां पे, NSE के ऊपर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जो लिस्टेड है। टॉप 50 कंपनीज जो लिस्टेड है NSE के ऊपर उसके इंडेक्स को हम क्या बोलते हैं, निफ्टी। अब ये जो सेंसेक्स और निफ्टी है ये इन पर्टिकुलर कंपनीज के परफॉर्मेंस को बताते हैं कि ये कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। इन कंपनीज के परफॉर्मेंस से पता चलता है कि स्टॉक मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है, हमारा जो मार्केट है ओवरऑल मार्केट का मूव कैसा है, इससे एक मार्केट का ट्रेंड पता चलता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है, कि साइडवेज मार्केट चल रहा है। ये सारी चीज़ें हमें पता चलती है किससे, सेंसेक्स निफ्टी से, जो कि हमें आइडिया देते हैं कि स्टॉक मार्केट परफॉर्म कैसा कर रहा है, मार्केट के प्राइस लेवल्स क्या है, टॉप कंपनीज कैसा परफॉर्म कर, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें इंडेक्स से मिलती है। सो इन सिंपल वर्ड्स सेंसेक्स और निफ्टी हमें आइडिया देता है कि स्टॉक मार्केट परफॉर्म कैसा कर रहा है, क्या मार्केट ऊपर जा रहा है, क्या मार्केट नीचे जा रहा है, किस तरह से मार्केट की परफॉर्मेंस है, ये सारी चीज़ें हमें कौन बताता है, सेंसेक्स और निफ्टी। सेंसेक्स के अंदर टॉप 30 कंपनीज के शेयर इंक्लूड है जो कि लिस्टेड है BSE के अंदर, और निफ्टी के अंदर टॉप 50 कंपनीज के शेयर इंक्लूड है जो कि लिस्टेड है NSE के ऊपर, इसीलिए हमें इसे निफ्टी बोलते हैं और निफ्टी 50 भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे 50 कंपनी का परफॉर्मेंस हमें पता चलता है, टॉप 50 कंपनीज का हमें परफॉर्मेंस पता चलता है। और सेंसेक्स के अंदर 30 कंपनी लिस्टेड है जिसमें हमें टॉप 30 कंपनीज का परफॉर्मेंस पता चलता है जो कि लिस्टेड है BSE के अंदर। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि सेंसेक्स होता क्या है और निफ्टी क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और आपको किस तरह की और वीडियोस चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।